और हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सरकार को सरपंचों की चुनौती मिल गई है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का बहिष्कार किया है सरपंचों ने। बीजेपी और जेजेपी सरकार को वोट नहीं देंगे, साफ तौर पर यह चेतावनी दे दी है सरपंचों ने। वो सरपंच जो लगातार विरोध कर रहे हैं, राइट टू रिकॉल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं सरपंच। 2024 चुनाव में वोट की चोट करेंगे सरपंच, ये सीधी सीधी चेतावनी है सरकार को। जींद की धरती से सरपंचों का ये बड़ा ऐलान, गांव के स्तर पर सरकार का नहीं होने देंगे कोई भी प्रोग्राम। आपको बता दें कि इससे पहले सरपंचों ने यह तो साफ कर दिया था कि सरकार से जुड़ा कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री या बीजेपी जेजेपी का कोई भी सांसद किसी गांव में कदम नहीं रख पाएगा। ये वो पहले से तय कर चुके थे, वो लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन अब विरोध का एक लेवल और बढ़ चुका है। उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार का कोई प्रोग्राम नहीं होने देंगे गांव में। 2 मई को जिला स्तर पर सरकार का विरोध करेंगे। और मेरे सहयोगी रोहित कुमार जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, विरोध पहले भी हो रहा था, पहले भी कह दिया गया था कि विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को हम गांव में घुसने नहीं देंगे, लेकिन अब सीधे उस पॉइंट पर चोट की है जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी भी सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, वोट की चोट। बिल्कुल हार्दिक, अगर सरपंचों के आंदोलन की बात चले जाए तो लगातार जिस तरह से सरपंच अपनी मांगों को लेकर लामबंद थे, हालांकि अब जो आज जींद में बैठक हुई है उसमें खासा फैसला जो है वो लिया गया और सीधे तौर पर सरपंचों ने ऐलान कर दिया है कि अब जो है एक तरह से पूरे हरियाणा में ना सिर्फ जिला लेवल पर प्रदर्शन होंगे, साथ ही साथ एक बड़ी रैली की पोल जो है वो भी जींद के लिए दी गई है। आपको बता दें कि जींद जो है हरियाणा का सेंटर पॉइंट पड़ता है, कई बार बड़े राजनीतिक बदलाव जो है वो भी जींद से ही हुए हैं, तो ऐसे में सरपंच भी 2024 को लेकर जींद से ही एक बड़ी हुंकार भरने की तैयारी में है। साथ ही साथ सरकार का खुलकर विरोध जो है वो करने का इनकी तरफ से ऐलान किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जो सरपंचों की एसोसिएशन है उसमें भी अब एक तरह से कहीं ना कहीं पहले की तरह एकजुटता जो है वो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर संख्या की बात चली जाए जो आज बैठक थी उसमें संख्या हालांकि कम रही, क्योंकि कई इलाकों से सूचना ये भी है कि कुछ सरपंच जो है वो सरकार के साथ हो चले हैं। ऐसे में इस सरपंच एसोसिएशन ने, मतलब जो ये सरपंच एसोसिएशन ने जो भी ऐलान किए हैं वो ग्राउंड पर किस तरह से उतरेंगे ये देखने वाली बात रही। एक हम लोगों ने, सरकार कह देती है कि कुछ एक सरपंच जानबूझ के, हम लोगों ने 2 मई को हर जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर 22 के 22 जिलों के अंदर सरकार के पुतले फूके जाएंगे और सरकार के खिलाफ एक रोष प्रदर्शन किया जाएगा, जुलूस कह लो या रोष प्रदर्शन किया जाएगा। और 30 मई को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करेंगे, हर वर्ग दुखी है। इंदिरा आवास योजना के तहत किसी भी गांव के अंदर गरीब व्यक्ति को मकान नहीं दिया जाता। मेरे गांव में मेरे सामने सवाल आए लोगों के, गरीब आदमी की मकान चाहिए, प्लाट चाहिए, ये सब गुमराह करने लगे। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रणबीर सिंह समेंट जी मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रणबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, अब तक आप विरोध कर रहे थे लेकिन अब आपने सीधे उस पॉइंट पर चोट की है जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे महत्वपूर्ण। आप कह रहे हैं कि आप वोट ही नहीं देंगे, अब तक बात हो रही थी विरोध की लेकिन अब तो सीधे तौर पर यह कि वोट ही नहीं देंगे, न कोई प्रोग्राम होने देंगे। हम लोगों की आज जींद के अंदर एक मीटिंग थी जहां हरियाणा के हर ब्लॉक के प्रधान और जिला प्रधान आए हुए थे पूरे हरियाणा के जी। तो हम लोगों ने वहां फैसला लिया है कि 2 मई को पूरे हरियाणा के अंदर 22 के 22 जिलों के अंदर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर सरकार के पुतले फूके जाएंगे और रोष प्रदर्शन निकाला जाएगा सरकार के खिलाफ, और 30 मई को पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करेंगे, बहुत बड़ी महारैली करेंगे जींद के अंदर, और वहां पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करके वहां एक सामूहिक रूप से कोई आगे का फैसला लेंगे कि सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की अनदेखी की जा रही है बार बार। लेकिन रणबीर जी, स्थिति आई क्यों, ये कंडीशन हुई ही क्यों? ये स्थिति अपने अपने गांव देहात को बचाने के लिए, ये लोग धीरे धीरे पंचायत राज एक्ट को खत्म करना चाहते हैं। जिस दिन पंचायतें खत्म होगी तो देहात खत्म हो जाएगा, देहात जिस दिन खत्म हो गए तो तानाशाही लागू हो जाएगी उसी दिन। ये देहात को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। पर रणबीर जी, ऐसा हुआ तो नहीं इससे पहले? आप मतलब मुख्यमंत्री के साथ बैठ चुके हैं, आप देवेंद्र बबली के साथ बैठ चुके हैं, तमाम अधिकारियों से बात कर चुके हैं, महीनों बीत चुके हैं, फिर क्यों सरकार आने नहीं चाहती उस बात पे?
सरकार मुख्य बातों में आती जाती है, गुमराह करने की साजिश है, पब्लिक को गुमराह कर रही है सरकार बार बार। तो हम लोगों ने तो तय किया कि जब तक ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं दिए जाते, हमारा ही लड़ाई जारी रहेगी, हम संघर्ष करते रहेंगे सरकार के खिलाफ। रणबीर जी, मुझे याद है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो यही कहा था कि मैं शाम तक कोई गुड न्यूज दूंगा, जब आपकी मीटिंग हुई थी। वो शाम तो न जाने कब बीत गई, उसके बाद न जाने कितनी ही शाम बीतती चली गई, कोई गुड न्यूज नहीं आई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिस वजह से वो गुड न्यूज सुनने को मिल नहीं रही है कि आपके बीच और सरकार के बीच सहमति बन गई है। कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर अब भी रोड़ा अटका हुआ है? सरकार मुख्य बातों पे आने नहीं चाहती, राइट टू रिकॉल पे और जो ग्राम पंचायतों के पूर्ण अधिकार उन पे सरकार आने नहीं चाहती। सरकार की मंशा साफ नहीं है, ये बिल्कुल ठेकेदारी प्रथा लागू करना चाहते हैं और धीरे धीरे पंचायती राज को खत्म करने की साजिश है। और देवेंद्र बबली का पक्ष क्या, देवेंद्र बबली का पक्ष क्या है? वो अभी कोई वो कुछ साफ नहीं कर रहे हैं क्या? देवेंद्र बबली ने तो उस दिन स्पष्ट कर दिया कि मेरे हाथ में नहीं कुछ। भाई तेरे हाथ में नहीं कुछ, तू बड़ी बड़ी बातें क्यों करता है फिर? जिस आदमी का लेवल नहीं होता उस चीज का ठीक करने का, जब उनके हाथ भी नहीं रहते ऐसी बड़ी बड़ी बातें, ग्राम पंचायतों को चोर बोलने की बातें, ये तो सत्ता के नशे में इतने चूर थे पंचायत मंत्री, तो इनको पता ही नहीं कैसी भाषा यूज करनी चाहिए एक मंत्री पद पर बैठकर। रणबीर जी, हरियाणा सरकार तो कहती है कि हम किसान हितैषी सरकार है, जन संवाद कार्यक्रम होते रहते हैं, अधिकारियों को टाइम दे दिया है कि 2 घंटे आप बैठिए, लोगों की समस्याओं को सुलझाइए। ये तो पूरी तरीके से जनता के हर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करते हैं, फिर आपके मुद्दे को सुलझाने की कोशिश अब तक क्यों नहीं हो पाई? आप इस जनसंवाद का हिस्सा कभी क्यों नहीं बन पाए? आपकी समस्या सरकार के कानों तक क्यों नहीं पहुंची? सर सुनो मेरी बात, आप ये जनसंवाद के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप भिवानी के अंदर देखो, मुख्यमंत्री जी के दौरे के बाद कितने विरोध का सामना करना पड़ा सरकार को। ये जहां भी जनसंवाद में जाते हैं सिर्फ अपने ही पार्टी के पदाधिकारी होते हैं, 100-200 लोगों को पास के जरिए जनसंवाद होता है, जनता के बीच में जाए ताकि पूरा पूरा ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों और अपनी उनकी समस्या सुनने का काम करें। लेकिन ये तो अपने ही 100-200 लोगों को बैठाकर और तालियां बजवाने का काम करती, कोई जनसंवाद नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग बेइज्जती करने का काम कर रहे हैं, अपने ही लोगों को बैठाते हैं। और जो कोई व्यक्ति सवाल भी करता तो धनाड़ा के अंदर व्यक्ति ने सवाल किया था सरकार से, मुख्यमंत्री जी से जी। वो वहां उस आदमी को सरेम मीडिया के सामने कहते हुए दिखाई देते कि चुप आप बैठ जाओ, ये कोई जनसंवाद नहीं है, तो लोगों को गुमराह करने की साजिश है। अच्छा रणबीर जी, अक्सर सरकार की ओर से ये भी कहा जाता है कि ये तो जितने विरोध हो रहे हैं वो सारे विरोध को एक ही कैटेगरी में रख देते हैं, चाहे ओपीएस की मांग हो, चाहे ई टेंडरिंग हटाने की मांग हो, चाहे किसानों का विरोध हो, वो तो कहते हैं कि जितने विरोध हो रहे हैं सब विपक्ष करवा रहा है। आपको विपक्ष का साथ है क्या? बिल्कुल भी नहीं, मेरा किसी भी पार्टी के नेता के साथ आज तक मेरा कोई फोटो नहीं दिखा पाते सरकार, मेरा किसी पार्टी से किसी भी राजनीतिक दल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और मैंने दोनों बार पंचायत मंत्री के वोट दिए, ये पंचायत मंत्री को के मुंह से उगलवाया मैंने बिल्कुल जब मीटिंग हुई थी। चलिए सर, वो तो आपका निजी विषय, आपने किसको वोट दिया है वो तो क्या आप सार्वजनिक मंच पर बताएंगे, लेकिन बावजूद इसके आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, INLD का, क्या किसी का भी समर्थन मिला है अब तक कि टेंडरिंग नहीं होना चाहिए? हम लोग किसी भी पार्टी के नेता के पास नहीं गए आज तक, कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता के साथ मेरी एक भी फोटो दिखा दे सरकार में। ये तो वैसे कोई भी आदमी बड़ा दिखाऊंगी आवाज उठाता तो उसको विपक्ष का नाम ले लेते, कोई भी सरकार हो, ये तो सरकार का एक रवैया देख लो आप, कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों की आवाज उठाता तो उसको विपक्ष का नाम दे दिया जाता है गुमराह करने के लिए। पर रणबीर जी, चलिए 2 मई को आप विरोध करेंगे, फिर 30 मई को आप जींद में महारैली करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी नया होने वाला है, इससे पहले भी आप ये सब कर चुके हैं। आपको लगता है कि ये 30 मई और 2 मई ये 2 तारीख है आपके लिए कुछ बहुत अलग अमूलचूल परिवर्तन लेकर आएगी, सरकार आपकी बात मान लेगी, ऐसा हो सकता है क्या? आपको लग रहा है कोई ठोस रणनीति है नहीं आगे? देखो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना संघर्ष कर रहे हैं, वो सरकार ने देखना है सरकार क्या करती है। हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, अपने अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं बार बार, वो सरकार ने देखना है। तो कर्म करते जाएंगे और नतीजे की परवाह नहीं करेंगे क्या? नतीजा भी तो मैटर करता है कि नहीं करता है? रिजल्ट ना निकले, आपकी मांग ही ना मानी जाए तो क्या मतलब? आप एक नहीं 100 बार कीजिए प्रदर्शन, क्या फर्क पड़ेगा? सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो मेन मुद्दा है ना। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा 2024 के अंदर, ऐसा फर्क पड़ेगा, हम दिखाएंगे ग्राम पंचायतों की ताकत, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ताकत सरकार को। अच्छा तो क्या है रणनीति बताइए फिर 30 मई के बाद क्या? चलिए 2 विरोध प्रदर्शन आपके हो गए, उसके बाद आगे क्या? 30 मई को पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की इकट्ठा करेंगे और सामूहिक रूप से सभी लोगों की राय ली जाएगी कि आगे क्या किया जाए। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात आपने कह दी, अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को गांव में घुसने नहीं देंगे, अब तो आपने ये कह दिया कि गांव के स्तर पर सरकार का कोई प्रोग्राम भी नहीं होने देंगे।
ग्राम पंचायत में अधिकारी नहीं लगते, ये तो अब प्रशासन का सारा मेरे पिता लगने के बाद कोई प्रशासन नहीं होता। इन लोगों को हमारे पास आना गाँव में, हमारे वोट लेके ये लोग लोकसभा और विधानसभा में जाते हैं और हमारे अधिकारों को हनन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अनदेखी की जाती है, बार बार कोई भी बुनियादी सुविधा नहीं दी जाती गाँव के अंदर, बिल्कुल गांव देहात को बर्बाद करने पे तुली मौजूदा सरकार। पर रणबीर जी, सरकार तो कहती है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही टेंडरिंग ला रहे हैं और जितने सरपंच विरोध करते हैं वो सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ सरकार को खुली चैलेंज, हमारा 2 साल जो ई टेंडरिंग से काम हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ है पूरे के पूरे हरियाणा के पंचायत राज का जो बजट है उसका अड़पा गया। मैंने खुद मुख्यमंत्री जी को बोला है और मीडिया को बिल दिए थे मैंने, ई लाइब्रेरी और जो जिम खोले जा रहे पूरे हरियाणा के अंदर उनके अंदर देखो आप कितना भ्रष्टाचार है। वो पहले कोई भी टेंडर प्रणाली से नहीं हुई, मैंने पेमेंट की गई है 34,000 रुपए की टेबल दिखाई गई है, एक लाइब्रेरी के अंदर एक एक चेयर 10,500 रुपए की, मैंने बकायदा मीडिया के सामने बिल दिए वो। अच्छा चलिए, अच्छा अच्छा रणबीर जी आखिरी सवाल, चाहते क्या हैं, अब क्या चाहते हैं अभी ये बता दीजिए आप। हम लोग तो एक ही बात चाहते हैं कि जो संविधान के अंदर ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार दिए गए हैं वो पंचायत राज एक्ट कोर्ट से लागू हो और राइट टू रिकॉल लोकसभा और विधानसभा में लागू करे और फिर सरपंचों में पंचायतों में लागू करे, वो भी इलेक्टेड बॉडी, हम भी इलेक्टेड बॉडी, संविधान से बाहर हमारी कोई मांग नहीं है, संविधान से तो ऊपर कुछ नहीं है इस देश के अंदर, हम तो संविधान के अंदर जो ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए गए वही मांग रहे हैं, उससे ज्यादा हमारी कोई मांग नहीं है। ठीक है, आप जो चाहते हैं अगर वो सरकार आपको नहीं देती है तो क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रणबीर जी, धन्यवाद।